मैंने ये काम दरअसल स्टार्ट किया था बैक इन 2018, तब मैं आई थिंक 16-17 साल का था। तो बैक इन द डेज मेरे पास एक कैमरा था, नाइकॉन का D3100 था और साथ 70-300 लेंस था ना, उससे मैं रैंडमली फोटोग्राफी स्टार्ट करती थी ये मार्गलाइज नेशनल पार्क में। तो ये मेरे घर के करीब पड़ता था, बचपन से शौक था वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का, ये नेशनल ज्योग्राफिक देखते थे हम कि अफ्रीका में भाई ये फोटो जानवर हैं, शेर हैं, ये हमें तो नहीं पता था एट द टाइम के पाकिस्तान में भी काफ़ी कुछ मौजूद है। ये प्रोफेशनली मैंने इस काम को स्टार्ट किया था बैक इन आई थिंक अप्रैल ऑफ 2018, जब मैं इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के साथ वॉलंटियर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर लग गया था मैं। ओवरऑल मार्गलाइज नेशनल पार्क के अलावा मैंने काफ़ी सर्वेज किए हैं ओवरऑल पाकिस्तान में। ये खुंजराब नेशनल पार्क में मैंने मार्कोपोलो शिप की फिल्मिंग की है, ये कलरकार में पंजाब बोडियाल पे काम किया है। उसके अलावा मैंने रेप्टाइल्स और बर्ड्स के ओवरऑल सर्वे किए हैं थ्रू आउट पाकिस्तान में वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के साथ। हंटिंग और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ये सात चीज़ें हैं, लेकिन हंटिंग पर एक प्रॉपर तरीके से होती है। फॉर एग्जांपल हमने ये खुंजराब नेशनल पार्क में हमारा है मॉडल ट्रॉफी हंटिंग का। ट्रॉफी हंटिंग से होता है कि हमारा जो रेवेन्यू है ना 80% हमारी लोकल कम्युनिटी को जाता है, जिसकी वजह से वो ना आगे वाइल्ड लाइफ को अपनी कंजर्व करते हैं। जब आईबेक्स की हम ट्रॉफी हंटिंग करते हैं तो उसमें हमारा प्रोसीजर ये है आईबेक्स का कि हमें एक बाकायदा हमने रखा होता है इंडिविजुअल जिसको वो आगे हंट करते हैं। हम फीमेल को नहीं मारते हैं, हम बच्चों को नहीं मारते हैं, ये तरीका है हंटिंग का। आप पाकिस्तानी का कॉमन माइंडसेट देख लें, ये शिकार करना है, ये हलाल है, ये हराम है, शिकार करना है जी, ये वाला परिंदा हलाल है। मैं ऑनेस्टली बताऊं आपको तो मैंने अपने 4 साल के एक्सपीरियंस में जो मेरे से फ़ोटो दिखाता हूँ परिंदे की, पहला सवाल यही आता है कि ये हलाल है। जनाब हलाल है, लेकिन अगर हमने खाना है ना तो हमने प्रॉपर तरीके से हंट करके खाना है। हमने ये नहीं करना कि 50 मुर्गाबियाँ जा रही हैं और हमने सारी शूट डाउन करनी। और दूसरा, जो हमारे पास विजिटर्स आते हैं, फॉर एग्जाम्पल मार्गला हिल्स पर जो हाइकिंग करने आते हैं लोग, द मेजॉरिटी लोग मैंने देखा है बिल्कुल ख्याल नहीं करते हैं, जहाँ जा रहे हैं बॉटल फेंक दी कूड़े की, कूड़े बॉटल फेंक दी वहाँ पे, ये कूड़ा फैला दिया, ये पिकनिक करने आए तो कोयले वहीं पे पड़े हुए हैं जिससे फायर स्टार्ट हो जाती है ऑब्वियसली। और काफ़ी हमें याद है फायर से कितना नुकसान हुआ है मार्गलाइज नेशनल पार्क में इन द पास्ट डेकेड। तो आम बंदे का ज़्यादा इसमें रोल है, हमें अपनी वाइल्ड लाइफ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें ख्याल करना चाहिए कि ये हमारे मुल्क की चीज़ें, हमारी अपनी चीज़ें हैं, किसी और की तो नहीं है ना। तो हमने इसकी कंजर्वेशन के लिए काम करना है साथ मिलकर, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के साथ हमने हाथ जोड़ के रखने हैं, वरना वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट आई एम सॉरी टू से काम नहीं कर सकेगा।